ठीक है सर। सर जैसे ही अपना लॉगिन है, ठीक है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर। बेसिकली इसमें फोर टाइप के लॉगिन्स होंगे आपको, एक एडमिन लॉगिन, ठीक है, एक स्टूडेंट लॉगिन, एक टीचर लॉगिन एंड एक पेरेंट्स लॉगिन। इस तरह के चार लॉगिन होंगे। ठीक है सर। एडमिन लॉगिन पे आप अपना टेस्ट पेपर शेड्यूल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो किसी भी तरीके से। टीचर लॉगिन, टीचर इंडिविजुअल बेसिस पे अपना टेस्ट क्रिएट कर सकता है, और आप जो टेस्ट क्रिएट कर रहे हो उसमें एडिटर का एक्सेस आप टीचर को दे सकते हो। यदि आपको कोई टेस्ट क्रिएट किया, आपको टीचर को चेक करवाना है, तो उसमें एडिटर का एक्सेस आप टीचर से करवा सकते हो। ठीक है सर। एक है पेरेंट्स लॉगिन। यदि कोई स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, कौन सा, वो भी देखना चाहते हैं कि एकेडमिक में कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, कौन सा टॉपिक उसका वीक है, इस हिसाब से पेरेंट्स भी उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है सर। जैसे अपन ने अब इसमें लॉगिन किया, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्क्रॉल बार नजर आएगा, जिसमें होम, डैशबोर्ड, टेक टेस्ट मास्टर, एटीएम, प्रिंट पेपर, इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस विजिबल होंगे। ठीक है सर। इसमें अपने पास टेस्ट टेस्ट पेपर क्रिएट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं। वन इज एटीएम एंड अनदर इज टिप्स। एटीएम मींस ऑटोमेटिक टेस्ट मेकर एंड टिप्स इज टीचर इंटरफेस पेपर सेटिंग। ओके सर। जब अपन एटीएम के थ्रू आपको इसमें यहाँ पर जब अपन पेपर क्रिएट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुछ पेपर्स क्रिएटेड हैं। आपको अगर प्रीवियस ईयर आपने प्रीवियस कोई पेपर्स क्रिएट किए हैं, आप वो देखना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ नीचे विजिबल होंगे। ठीक है सर। और कोई आपको न्यू पेपर क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको पेपर का डिस्क्रिप्शन देखना है कि आपको कौन सा पेपर क्या है, टेस्ट 0000 1 डेमो, इस तरीके से मैं एक टेस्ट पेपर क्रिएट करता हूँ। ठीक है। अब इसमें अगर अपने को पेपर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालनी है, लाइक के अपना जेई मेंस का पेपर है, उसमें अपने को सेक्शन बी में 10 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उनमें से अपने को सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि अपने को सिर्फ 10 में से स्टूडेंट्स 5 ही अटेम्प्ट कर सके, तो उसके लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, येस या नो। अगर आपको रेस्ट्रिक्शन रखनी है तो उसको येस कर दीजिए, अदरवाइज आपको नहीं रखनी है तो उसको नो कर सकते हैं आप। ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम है आपके, यहाँ पर जेई मेन्स का है, नीट का है, MHCT का है, जेई एडवांस का है। जो भी पेपर आपको क्रिएट करना है, वो एग्जाम टाइप आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। जैसे मैंने ये जेई मेन्स का एक एग्जाम सेलेक्ट किया है। देन अनदर ऑप्शन इज, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टाइप ऑलरेडी शो कर देगा कि आपने जेई मेन्स सेलेक्ट किया, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ आपके पास अब दो ऑप्शन हो, ये पूछता है कि आपको सिलेबस में पार्ट वाइज लेना है या फुल सिलेबस लेना है, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फुल सिलेबस नहीं, मुझे कुछ चैप्टर्स का टेस्ट लेना है, तो मैं पार्ट वाइज टेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट लेना है, तो मैं फुल सिलेबस सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, वो कस्टम रखना है या फिर स्टैंडर्ड रखना है। स्टैंडर्ड रखने पर मेरे पास जो भी जेई मेन्स का जो भी मेरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है, वो बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड पर सेट होगा। कस्टम में आप जैसे चाहे उसको पैटर्न आप वैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट, मैं मुझे तीन तरह के ऑप्शन देंगे कि पेपर का लेवल आपको क्या रखना है। पेपर का लेवल आपको इजी रखना है, मीडियम रखना है, या हार्ड रखना है। इस तरीके से आप ऑल ओवर पेपर का जो मीडियम है, आप वो रख सकते हैं, क्योंकि आप जो भी मीडियम सेलेक्ट करो, उसमें क्वेश्चन ऑफ टाइप्स दूसरे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट ऑल ओवर पेपर जो आपका होगा, वो इजी, मीडियम या हार्ड, इस तरीके से हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इज मीडियम सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपको उस पेपर में इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी मिलेंगे और मीडियम भी मिलेंगे, बट तो पेपर का जो टोटल जो पेपर का लेवल है, वो आपका मीडियम रहेगा। ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए। कुछ जैसे आपको चैप्टर है, आपने उसका टेस्ट पहले ले चुके हैं, पर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चन नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना हो, तो मैं यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, यस या नो का। मुझे वो क्वेश्चन अगर रिपीट करने हैं, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, अगर नहीं करने हैं, तो मुझे नो कर दूंगा, कि इन इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस पहले वाले चैप्टर जब मैंने टेस्ट लिया था, तो उसमें यूज हो चुके थे, अब मुझे दोबारा उसको नेक्स्ट पेट पर टेस्ट में यूज नहीं करना है। कुछ कहना चाह रहे सर आप? हेलो। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आप अपने टीचर को एडिट का एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने फिजिक्स का टेस्ट बनाया, अब मुझे फिजिक्स का टेस्ट बनाया, लेकिन उसको रिव्यू तो फैकल्टी ही करेगा, देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो अपने को रिप्लेस का या अपडेट का ऑप्शन
उसको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उनको एडिट का एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। अपने को यहाँ पर ड्यूरेशन, एग्जाम ड्यूरेशन अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को तीन सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एरिया ऑफ चैप्टर सेलेक्ट करना है कि कौन से एरिया का चैप्टर जो है मुझे सेलेक्ट लेना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने वेव नक्सलेशन ले लिया है। इनमें से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थ्री चैप्टर्स हैं इसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव, ये तीन चैप्टर्स में अवेलेबल हैं, तो आपको एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें भी आप इंडिविजुअल टॉपिक है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे SHM में ये टॉपिक लेना है, इस टॉपिक का ही मुझे टेस्ट करवाना है, तो आप वो भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। और मुझे कंप्लीट सारे टॉपिक्स लेने, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऑक्सीलेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबको ले लेगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड का ऑप्शन करेंगे, ऑटोमेटिकली इसने 30 क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं, जो जेई मेंस पेपर का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, उसके हिसाब से 30 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। फिर वैसे ही अपन फिजिक्स सेलेक्ट, केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री में एरिया, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें तीन कैटेगराइज हैं। फिजिकल सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें अपन आयनिक, केमिकल, काइनेटिक्स, स्टेट ऑफ मैटर्स, मैंने स्टेट ऑफ मैटर सेलेक्ट कर लिया। स्टेट ऑफ मैटर्स में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई एक सिंगल टॉपिक लेना है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, वरना इसे खाली छोड़ दीजिए, आपका टोटल आपको सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये नंबर ऑफ 60, टोटल 60 क्वेश्चंस हो गए, 30 फिजिक्स में, 30 केमिस्ट्री में, ठीक है सर। नाउ अब लास्ट सब्जेक्ट अपना मैथमेटिक्स है, एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, वेक्टर एल क्या बोल रहे हैं सर, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आई। नहीं सर, आपने फिजिकल सेलेक्ट किया, फिजिकल के अंदर आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, जैसे ही आपने फिजिकल सेलेक्ट किया एरिया, फिजिकल के अंदर आपने स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर मुझे मान लो फिजिकल भी लेना है, इनऑर्गेनिक भी लेना है, ऑर्गेनिक भी लेना है, तीनों चैप्टर्स लेने हैं, तो मैं टेस्ट कैसे क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर केमिस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे ऑर्गेनिक भी लेना है, मैं ऑर्गेनिक भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिजिकल भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं इनऑर्गेनिक भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे तीनों सेलेक्ट हो गए। अब इन तीनों में से मुझे कौन से चैप्टर सेलेक्ट करना है, अब ये सारे चैप्टर आपको शो कर देगा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अब आपको जो जो चैप्टर सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मुझे केमिकल क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर लेना है, इसके अलावा मुझे आइसोमेरिज्म लेना है, इसके अलावा मुझे कोई फिजिक्स का चैप्टर, फिजिकल का चैप्टर लेना है, ठीक है। मैंने इनऑर्गेनिक का ले लिया है, ठीक है। अब मैं कोई फिजिकल का चैप्टर ले रहा हूँ, आपने फिजिकल लिया, फिजिकल में आपको कौन से चैप्टर का चूज करना है, तो वो आपको एक बार चूज करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिजिकल से इसको, अच्छा ठीक है, आप चाह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो वो सर इक्वली पार्शियल में आपका, जैसे आपने सेलेक्ट किया कि मैंने ऑर्गेनिक के कितने, चार सब्जेक्ट, चार टॉपिक लिए, फिजिकल का एक टॉपिक लिया, एक चैप्टर लिया, तो वो उसी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि आपका ऑल ओवर बैलेंस, आपका एक जितना भी ऑल ओवर पेपर में जो पोर्शन एरिया है, कि टोटल अपने पास 30 क्वेश्चन है, ना 30 अपने, 20 अपने सेक्शन ए में और 10 सेक्शन B में, ठीक है। तो उन 10 सेक्शन B में जैसे आपने देखा कि आपने चार उसके और एक इसका, तो 1/5 का रेशियो ले लेगा सर वो, और उसके हिसाब से वो क्वेश्चन सेट कर देगा कि जैसे मैंने 5 चैप्टर सेलेक्ट किए टोटल, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के मिला के, तो 4-4 क्वेश्चन वो ईच चैप्टर के ले लेगा, ठीक है सर। ठीक है, अब मैं इसमें से एक, जी सर, चैप्टर जैसे फिजिकल में, हाँ जैसे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें भी तो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बेसिक कैलकुलेशन, बोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोकेमिस्ट्री, तो आप एक इंडिविजुअल टॉपिक के हिसाब से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है सर। मैं मैथमेटिक्स का एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चंस का एक पेपर सेट हो गया है, ठीक
ठीक है, आपने सारे क्रेडेंशियल सेट कर दिए हैं, ठीक है, आपके 30-30 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब आप यहाँ पर पेपर जनरेट कर दीजिए, सबमिट करिए। नाउ ये पूरा पेपर आपका यहाँ से रेडी हो गया है, अलग अलग सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, टू सेक्शन है, सेक्शन बी केमिस्ट्री सेक्शन है, सेक्शन बी मैथमेटिक्स सेक्शन है, सेक्शन बी, ठीक है। अब ये अपना रेस्ट्रिक्शन वाला पार्ट हो गया है, अपन ने रेस्ट्रिक्ट यस किया था, तो सेक्शन बी में 10 में से अपने को 5 करवाने हैं, तो आप ये सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट 10 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करवाएगा, ठीक। अब ये आपका पेपर, आप एक बार इसको रिव्यू करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मुझे सही नहीं लग रहा है कि यार ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह मुझे दूसरा क्वेश्चन डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्यू डिटेल्स करके आप पूरा क्वेश्चन की डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन, उसका सोल्यू आंसर एंड देन उसका सॉल्यूशन, ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यार क्वेश्चन चेंज करना है, दूसरा क्वेश्चन लेना है, तो यहाँ पर एक रिप्लेस का ऑप्शन है, उसी लेवल का मीडियम लेवल जो इसका लेवल है, पेपर का लेवल मेंटेन करते हुए उसी लेवल के आपको 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर शो कर देगा, और आपको उसी उन क्वेश्चन को ही आप उसको अपडेट करके उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है सर। जैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया है तो वो क्वेश्चन से रिप्लेस हो गया और यहाँ पर मुझे एक नया क्वेश्चन मिल गया, ठीक है सर। वो बिल्कुल ऑल ओवर जो पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही मेंटेन रखेगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीडीएफ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक जैसे एक शफल का भी ऑप्शन आता है, जब अपन पेपर शेड्यूल करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन शफलिंग का भी ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स हैं उनके जो सीक्वेंस है, जैसे स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है तो उनके जो क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग है वो शफल हो जाएगी, ठीक है सर। अब यहाँ आपसे मैंने पूरे क्रेडेंशियल सेट कर दिए हैं, 25-5 करके 300 मार्क का एक मैंने पेपर जनरेट कर दिया है, तो मैं फाइनलाइज पेपर कर देता हूँ, ये मेरा पेपर फाइनल हो गया है, ये टेस्ट जनरेट हो गया है। अब यहाँ से आप शफलिंग का ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को क्वेश्चन शफल करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये 3 ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन का पेपर एक बार रिव्यू करना चाह रहे हैं कि यार मैं दोबारा क्वेश्चन पेपर देख लूँ एक बार, तो यहाँ से आप एक बार के लिए क्वेश्चन पेपर फिर से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन पेपर को शेड्यूल करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे टेस्ट का नेम देना है, यहाँ पे मैंने टेस्ट का नेम दे दिया है, ठीक है। अब इसमें तीनों सब्जेक्ट आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नाउ अब मुझे इसका डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, डेट एंड टाइम, टाइम मुझे रखना है 3:45, 3:80 हो रहा है, तो मैं इसको 3:40 कर देता हूँ, यहाँ पर सर। दो ऑप्शन और अपने को अवेलेबल होते हैं, चीटिंग प्रिवेंशन मोड, चीटिंग प्रिवेंशन मोड, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है और वो टेस्ट देते देते कोई दूसरी टैब ओपन कर दे रहा है चीटिंग करने के पर्पज से, तो यहाँ पर अपन चीटिंग प्रिवेंशन मोड जैसे ही ऑन करेंगे तो स्टूडेंट दूसरी टैब ओपन नहीं कर पाएगा, उसका जो टेस्ट पोर्टल ओपन है वो फुल स्क्रीन रहेगा, वो उसको स्मॉल स्क्रीन में नहीं कर सकता और दूसरी टैब ओपन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसी कोशिश करता है तो उसको वार्निंग देता है, वार्निंग में ये बोलता है कि या तो आप टेस्ट को सबमिट कर दो या फिर आप टेस्ट को कंटिन्यू रखो, वो दूसरे टैब पर आपको जाने नहीं देगा, ठीक है सर। तो ये एक चीटिंग प्रिवेंशन मोड यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं। सेकंड, आप यदि आपने टेस्ट को शेड्यूल अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको शिफ्ट में लेना है कि यार एक शिफ्ट सुबह देगी, एक शिफ्ट आफ्टरनून में देगी, एक इवनिंग में देगी, आपको इस तरीके से टेस्ट शेड्यूल करना है कि 3 शिफ्टों में टेस्ट हो, तब तक आपको रिजल्ट अपना होल्ड करके रखना है, कि आपको रिजल्ट नहीं देना, आपको तीनों शिफ्ट का एक साथ रिजल्ट देना है, तो आप उस रिजल्ट को होल्ड कर सकते हो, और उस जब फाइनल आपका हो जाए, जैसे आपने टेस्ट, ठीक है, आपने होल्ड रिजल्ट कर दिया, आपने टाइम डाल दिया 29 का कि 9 o'clock तक मेरा लास्ट एग्जाम, लास्ट शिफ्ट है, लास्ट शिफ्ट के बाद मुझे रिजल्ट शिफ्ट जनरेट करना है, तो आप वो टाइम शिफ्ट कर दीजिए इसमें सेट, कि हाँ 9 o'clock के तक ही मेरा रिजल्ट होल्ड रहेगा, उसके बाद मेरा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, तो आपकी जब तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक कंबाइंड रिजल्ट इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, तब तक आपके लिए आप इसको रिजल्ट को होल्ड कर सकते हो।
आपको कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस डालने हैं यहाँ पर मैन्युअली, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ, ये मैंने कुछ कस्टम्स इंस्ट्रक्शंस डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, कमेंट डाल दिए मैंने, इसको सबमिट कर देता हूँ। ओके, टाइम इन द फ्यूचर मतलब 3:40 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे इसे 3:42 कर देता हूँ, 3:40, क्योंकि 3:40 हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। टी के एंड ऑफ द टाइम शुड बी ओके, ये इसको अपने को ग्रेटर रखना है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट हो गया है शेड्यूल, ये मैंने टेस्ट कर दिया है शेड्यूल। अब मुझे स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स का बैच बना सकते हैं और उस बैच को सेलेक्ट करके उसको टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बैच क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप अपना क्रिएट बैच कर सकते हैं और उसके बाद आप एक बैच को सेलेक्ट करके आप उसमें स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड स्टूडेंट किया, ऐड स्टूडेंट करते ही आपको यहाँ पर आपका बैच शो हो जाएगा। आपको बैच टिक कर देना है या फिर इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट को टेस्ट करवाना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बैच को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको ऐड स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टूडेंट को ऐड कर दिया है, यहाँ पे ये एक स्टूडेंट ऐड हो गया है और ये इसका टेस्ट शेड्यूल हो गया, ठीक है सर। अब ये तो है, अपन ने एटीएम से पेपर टेस्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रिंट पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप यहाँ से पेपर की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने पेपर की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप उसके सॉल्यूशंस के साथ पूरे पेपर को देख सकते हो कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर क्या है, और आप उसको भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। आपको अगर मान लीजिए उसमें कोई डिज़ाइन विज़ाइन करना है, क्रिएट डिज़ाइन, पेपर का डिज़ाइन सेट करना है, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन डालना है, तो ये भी आप यहाँ से आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है सर। अब मैं आपको, ये तो आपको एटीएम का बताया कि एटीएम से पेपर कैसे जनरेट होगा, इसके बाद मैं आपको टिप्स का एक बता रहा हूँ कि टिप्स से कैसे पेपर आप क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरह का एक वो आपको दिखाई देगा डिस्प्ले, इस पर आपको यहाँ पर माय एक्शन पर जाना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, टिप्स और एटीएम। एटीएम से तो अपन ने पेपर रेडी कर दिया है, अब मैं आपको टिप्स का बताता हूँ, टिप्स में आप कैसे पेपर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक तो ऑलरेडी जो पेपर आप जनरेट कर चुके हैं, बना चुके हैं, वो आपको यहाँ शो होंगे। जैसे आपको न्यू पेपर क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना है, नीट जेई, तो उस तरीके से आप एग्जाम टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मास्टर क्वेश्चन बैंक के अंदर से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जाम्स इसके जो अपने हैं नीट में जो भी पेपर अपना सब्जेक्ट आएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैंने फिजिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आपको इसमें कस्टम सेक्शन रखना है, दो जैसे दो सेक्शन होंगे, कस्टम सेक्शन रखना है तो आप इस सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया, आपने फिजिक्स सेलेक्ट किया तो उसका आपको एरिया जैसे अपन ने एटीएम सेलेक्ट किया उसी तरीके से आपको इसमें भी सेलेक्ट करना है। जैसे उसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, आप उसका सब टॉपिक, अगर आप कोई इंडिविजुअल टॉपिक है उसके क्वेश्चन निकाले तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन का लेवल क्या रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन जो है जो आप प्रीवियसली किसी एग्जाम में यूज़ कर चुके हैं वही सेम ऑप्शन यस या नो आपको यूज़ करना है या नहीं आप चूज कर सकते हैं। एट ए टाइम आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले हो सेलेक्ट करने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे 50 क्वेश्चन सेलेक्ट चाहिए। इसमें अगर कोई पी वाई क्यू भी हो तो भी चलेगा, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। पी वाई क्यू आपको कौन से ईयर का चाहिए, 22 का चाहिए, 23 का चाहिए, आप वो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन चाहिए या एनसीईआरटी प्लस टाइप के क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है, अभी अपन ने क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं किया, अभी अपन ने पैरामीटर डाले हैं एक चैप्टर्स का कौन सा टॉपिक है जिसका मुझे क्वेश्चन शो होने हैं, जिसको मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 50 क्वेश्चन अराउंड इसी इंडिविजुअल टॉपिक में 38 क्वेश्चन मुझे शो हो रहे हैं। इन 38 में से मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन चाहिए, ये मीडियम लेवल है, आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वेश्चन शो होंगे। मीडियम लेवल पे मुझे इस टॉपिक के मुझे 38 क्वेश्चन शो हुए, जैसे मैं मीडियम चेंज करूंगा मुझे दूसरे मीडियम के क्वेश्चन शो होने लगेंगे। एक ही टॉपिक के अंदर सर, हाँ एक तो सारे टॉपिक्स है सर इसमें,
अब जैसे अगर मैं मीडियम, जैसे मैं अगर इसमें मीडियम हटा देता हूँ ना, मैंने मैंने मीडियम हटा दिया, अब मेरे पास डिफिकल्ट, मीडियम, इजी सब तरह के क्वेश्चन इसमें मुझे शो हो रहे हैं। हाँ अभी मैंने 50 का डिस्प्ले किया है तो 50 शो हो रहे हैं, अगर मैं 100 कर देता हूँ। इसमें अपन एक ऑप्शन लगा रखा है कि आपको एट ए टाइम 50 ही क्वेश्चन शो होंगे, बाकी क्वेश्चन इसमें ऑल भी अवेलेबल हैं आपके पास, बट एट ए टाइम आपकी मैक्सिमम लिमिट, डिस्प्ले मैक्सिमम 50 क्वेश्चन शो करेगा। आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप इसमें से पहले को क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, फिर वापस डिस्प्ले मैक्स करिए आप 50 क्वेश्चन, तो आपको और न्यू क्वेश्चन आपको शो होंगे इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से जो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं, जो आपको चाहिए कि आपको एग्जाम में देने हैं, तो वो क्वेश्चंस आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, आपको सब तरह के क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल होंगे। उन आपको पेपर जो जिस लेवल का पेपर आपको सेट करना है, उस लेवल का आप पेपर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, अपन ने 12 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आप अपने पास सेक्शन फर्स्ट में 35 क्वेश्चन होंगे सेक्शन फर्स्ट में, तो उस तरीके से अपन यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं। मैं अब यहाँ पर मैं पेपर का डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एग्जाम टाइम सेलेक्ट कर दिया है इसमें 60 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पर अपना पेपर फिजिक्स का जितना भी है सेक्शन में अपने टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस ने शो कर दिए हैं। ठीक है सर, अब मैंने प्रोसीड किया, शेड्यूल किया, क्वेश्चन पेपर फाइनलाइज हो गया। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर अपना ये अपन ने टिप्स से पेपर क्रिएट कर लिया। इस तरीके से अपन टिप्स और एटीएम दो तरीके से अपन पेपर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने जो टेस्ट शेड्यूल किया है उसको एक बार अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट पोर्टल से। मैं लॉगिन करता हूँ इसमें, ये मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है इसमें, ये मैंने लॉगिन किया, मैं इधर टेक टेस्ट पे गया। ये टेस्ट अपन ने अभी शेड्यूल किया है 342 पे, जो एंड हो जाएगा 640 पे। ठीक है, अब मैं इसमें टेक टेस्ट पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस अपन ने डाले हैं वो आपको सब शो हो जाएंगे। जी सर, हाँ नहीं, 640 के बाद नहीं नहीं होगा, आपको विजिबल नहीं होगा उसके बाद वो टेस्ट, आपको विजिबल नहीं होगा, सिर्फ वो टेस्ट आपने जो टाइमिंग डाली है उसी टाइमिंग के हिसाब से वो विजिबल होगा। अगर आप इसमें आगे की टाइम, मान लीजिए आपको, आप चाहते हैं कि मुझे प्रैक्टिस सेशन बनाना है, तो उसमें आप 6 मंथ की डेट डाल सकते हैं, आप नेक्स्ट ईयर की डेट डाल सकते हैं, आप तब तक का, जैसे 1 ईयर का आपको देना है तो आप 1 ईयर तक का भी उसमें शेड्यूल कर सकते हैं। जी सर, हाँ अटेम्प्टेड टेस्ट आपको आपके टेस्ट शेड्यूल टेस्ट में मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो मिल जाएंगे आपको। जी सर, एक यहाँ पर आप बिल्कुल, जो आपका इंस्ट्रक्शन पैटर्न है बिल्कुल एनटीए पैटर्न बेस्ड है। यहाँ पर मैं आई एम रेडी टू बिगिन करता हूँ। ठीक है सर, देखिए पूरा फुल स्क्रीन आ गया है आपका। स्टूडेंट दूसरी टैब ओपन नहीं कर पाएगा, मतलब आपको दूसरी टैब नहीं दिखेगी। अगर जैसे ही मैं एल्ट और टैब दबाता हूँ ना, तो वो आपको एक वार्निंग देगा, या तो आप टेस्ट सबमिट करिए, वी नोटिस दैट यू हैव वायलेट द रूल्स ऑफ द टेस्ट बाय मूविंग टू अनदर टैब इट बिटवीन, यू टेस्ट विल बी सबमिटेड इफ यू लीव द टेस्ट अगेन। यदि आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो, कंटिन्यू द टेस्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से जब अपन वहाँ चीटिंग प्रिवेंशन लगाया था, तो उसके कारण आपको ये यहाँ पर ये चीटिंग प्रिवेंशन आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनके आंसर लगा देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, अब मैं 6 क्वेश्चन पे जा रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करने। मैंने रिस्ट्रिक्शन यस कर दिया था। ठीक है, तो अब इस 10 में से मुझे सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं इसका आंसर लगाना चाहूँ तो ये आपको एक
अलर्ट देगा, मैक्सिमम अलाउड क्वेश्चंस हैज बीन बी आंसर्ड इन दिस सेक्शन, मतलब आपको आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दिए हैं इस सेक्शन में, अब आपको ये आंसर अटेम्प्ट करना है, तो आप प्रीवियस किसी क्वेश्चन पे जाके उसको पहले क्लियर करिए, क्लियर करने के बाद आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आइए और उसका आंसर को टिक करिए, तो फिर तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको एक इसी तरह का सेट हुआ। कौन सा सर? हाँ, मार्किंग स्कीम आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा कि आपको मार्किंग स्कीम क्या रखनी है। हाँ हाँ, मोबाइल पे भी सर वैसा ही इंटरफेस रहेगा आपका। जैसे अभी ये पेपर मेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब मुझे सबमिट करना है, तो यहाँ पर मैं आके सबमिट करूँगा, या दो ऑप्शन देगा आपको, या तो आपने टेस्ट पूरा कर लिया तो इस पर क्लिक करिए, वरना आप टेस्ट कंटिन्यू करिए, जस्ट आई एम डन, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये आपका कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, आपने टेस्ट दे लिया, अब आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन है जो आपका राइट है, रॉन्ग है, कितना टाइम लिया, क्या है, तो वो आपका कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट डिटेल परफॉर्मेंस आपको वो जनरेट कर रहा है, जिसमें ये 140 मिनट समथिंग ये लेता है इसको जनरेट करने के लिए, पूरी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए सर 140 मिनट, आई थिंक ये 1 मिनट भी नहीं लिया इसने, ये डिस्प्ले करता है परंतु इतना टाइम नहीं लेता, वो मैं मोस्ट ऑफ मैक्सिमम टाइम बता रहा है सर। तो ये यहाँ पर मैं जनरली अपना ऑल ओवर जो अपना रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट, वो यहाँ पर शो कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसने राइट किया या रॉन्ग किया, या फिर जैसे मैंने इसको देख रहा हूँ कि मैंने 1 सेकंड में इसको अटेम्प्ट कर दिया, मेरा मैंने एक ही बार उस क्वेश्चन को विजिट किया, यदि मैं इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार विजिट करता तो नंबर ऑफ विजिट मेरे को यहाँ शो होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कितने बच्चों ने, अब जैसे मैं 20 बच्चे थे, 20 में से 5 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट सही किया, बाकी 15 ने गलत किया, तो उस परसेंटेज में आपको यहाँ शो कर देगा कितने परसेंट बच्चों ने यहाँ पर इसको सही किया और इतने परसेंट बच्चों ने इसको रॉन्ग किया, क्वेश्चन का लेवल, चैप्टर और उसका सब उसका टॉपिक, ये क्वेश्चन उसको दिखा देगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन डी था, आपने सी लगाया, ठीक है, और इसका आंसर ये था, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर गलत है, मैंने जो किया सही है, तो यहाँ पर उसको रिपोर्ट भी कर सकता है, और मुझे बाद में ये क्वेश्चन देखना है, मान लीजिए कि मेरे को बाद में जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मुझे एग्जाम टाइम पे नहीं आए, तो मैं इसको बुक मार्क करके रखता हूँ, ताकि नेक्स्ट जब उस चैप्टर का टॉपिक का टेस्ट होगा तो मुझे वो क्वेश्चंस देखने में इजी होगी बुक मार्क करके। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर मैं बेसिक बेसिक एनालिसिस अपना देख सकता हूँ। ठीक है, मैंने 75 क्वेश्चंस, 59 आंसर्ड, 9 करेक्ट, 9 करेक्ट विद द टाइम, 50 इनकरेक्ट, 15 क्वेश्चंस को मैंने विजिट ही नहीं किया। ठीक है, ये मेरा बेसिक, बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है, नॉर्मल रिजल्ट है, अब मुझे इसे डिटेल्ड रिजल्ट देखना है मेरा परफॉर्मेंस। ओके, तो ये मेरा चार्ट है, परफॉर्मेंस चार्ट जो मैंने अभी अटेम्प्ट किया। ठीक है, इस चार्ट में आपको जो ये दिख रहा है, ये टाइमलाइन, ये आपका टाइम है। ठीक है, इसमें आपका ये जो देख रखे हैं, ये जो पिन है, ये जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, मैंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है जो कि रॉन्ग था, इस तरीके से ये पिन आपको ऑप्शन बताती है। यहाँ पर एक ट्राइंगल शो होता है, ट्राइंगल्स आपको बताते हैं नंबर ऑफ विजिट्स, यदि इसमें आपने एक क्वेश्चन को 2 बार विजिट किया है तो वहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल 2 बार बताएगा, यदि एक ऑप्शन का आपने आंसर बदल कर दोबारा दूसरा आंसर लगाया है तो इसी के आगे आपको ये एक और पिन दिखाई देगी, अगर आपने पहले रॉन्ग आंसर लगाया है तो वो रेड कलर का दिखाई देगा, बाद में आपने राइट लगाया है तो वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा, जैसे कि इसमें दिख रहा है ये ग्रीन कलर का आपने राइट आंसर लगाया है, बाकी जितने भी मैंने आंसर टिक किए हैं वो सब रॉन्ग है। ठीक है सर, अब इसमें आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है मेरा चैप्टर, यहाँ पर मेरा केमिस्ट्री सेलेक्टेड है ऑलरेडी, केमिस्ट्री में मेरा चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इको कर रही है, अभी इको आ रहा है सर, ठीक आ रही है, ठीक। अब मुझे यहाँ पर जी ये अपने स्टूडेंट का, हाँ
जैसे ये अपना पिन है, ये अपना ऑप्शन, क्या स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट ने ऑप्शन भी लगाया है, ठीक है सर? तो ऑप्शन भी लगाया है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन लगाया इसने इनकरेक्ट है। अगर स्टूडेंट एक बार ऑप्शन उसने बी लगाया और दूसरी बार में उसने ऑप्शन ऑप्शन डी लगाया, तो आपके रेड के पहले एक ग्रीन बार, ग्रीन आपका जो पिन है इस तरीके से आपको शो करेगा। मतलब एक क्वेश्चन में उसने कितनी बार मल्टीपल अपना आंसर चेंज किया वो भी आप देख सकते हो, उसमें स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को कितनी बार विजिट किया वो भी आप चेक कर सकते हो, उसने स्टूडेंट ने उसको एवरेज टाइम से कितना ज़्यादा टाइम लिया वो भी आप चेक कर सकते हो। यहीं पर स्टूडेंट अपना डायरेक्ट ऑप्शन, अपना क्वेश्चन देख सकता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा टाइम टेकन है, नंबर ऑफ विजिट्स इतना है, इतने लोगों ने करेक्ट किया है, एवरेज टाइम जो स्टूडेंट्स ने लिया वो इतना था, क्वेश्चन का लेवल क्या था और टॉपिक कौन सा था, इस तरीके से। नाउ अब मुझे इंडिविजुअल टॉपिक के हिसाब से एनालिसिस करना है कि यार मेरे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेरे सही हैं और कौन से मेरे टॉपिक सही नहीं है। तो यहाँ पर आएगा तो उसको तीन जो मेरे टॉपिक थे चैप्टर के अंदर, स्टाइकियो केमिस्ट्री, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ मोल कंसेप्ट एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इन तीन में से मेरा कौन सा आप चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया। तो ये क्वेश्चंस थे, ये मेरे मोस्ट ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन है, जिनमें से एक मेरा करेक्ट है, ठीक है। रेड का मतलब ये है कि मेरे रॉन्ग है, और येलो का मतलब है कि मेरा राइट तो है लेकिन मैंने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लिया, तो इसीलिए मुझे इसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रॉन्ग मतलब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, मुझे दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है सर। ग्रीन का मतलब है कि मैंने टाइम पे किया है, मेरा आंसर सही लगा है, इसीलिए मेरा इसमें ग्रीन कलर की बार दिख रही है। इस तरीके से आप इंडिविजुअल टॉपिक का, आप इंडिविजुअल उसका एनालिसिस देख सकते हो। अब जैसे मैंने एसएचएम सेलेक्ट किया, इसमें सिंपल पेंडुलम के मेरे कितने क्वेश्चन थे, मोस्ट ऑफ गलत हैं, एक मेरा सही है, ठीक है। 100% मतलब मैं एक ही स्टूडेंट था और एक ही राइट किया, तो इसका 100% परसेंटेज आ रहा है। टोटल अगर 20 स्टूडेंट्स होते जिनमें से कितने स्टूडेंट्स ने सही किया, कितने स्टूडेंट्स ने गलत किया, वो आप इसमें देख सकते हैं। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यदि इस एक क्वेश्चन में आपको दो से ज्यादा ट्राइंगल दिखे, मतलब स्टूडेंट्स ने दो से ज्यादा बार इस क्वेश्चन को विजिट किया है। जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, येलो ब्लैक कलर का सर, हाँ, यदि इसमें दो से ज्यादा ट्राइंगल आते हैं इसका मतलब स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को दो बार से ज्यादा विजिट किया है। उसमें भी अगर रेड, आपका रेड रेड ऑप्शन आता है और उसने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो रॉन्ग था, तो वो आपको रेड दिखा रहा है, तो मतलब दो बार विजिट किया फिर भी उसने गलत ऑप्शन लगा दिया, तो ये स्टूडेंट्स को देख सकते हैं इजीली कि मैंने अपना टाइम कहाँ ज़्यादा कंज्यूम किया, किस क्वेश्चन में ज़्यादा मैंने टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कहाँ मेरा कौन सा टॉपिक है जिसमें मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक है जिसमें मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक मेरा अच्छा है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा राइट हुए हैं। इस तरीके से इनकी कलर कोडिंग हुई है सर। ठीक है सर, ये तो मेरा परफॉर्मेंस एनालिसिस है मेरा पर स्टूडेंट्स का। आप ऐसे ही टीचर एक बैच, मतलब बैच एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। ये परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट स्टूडेंट्स के लिए है, बैच एनालिसिस रिपोर्ट टीचर्स के लिए है। ओके यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। अब मैं वापस मेरे एडमिन पैनल पे जाता हूँ। ये मैं अपने एडमिन पैनल पे आ गया, यहाँ मैं डैशबोर्ड पे गया, यहाँ मैंने जो टेस्ट शेड्यूल टेस्ट था यहाँ गया, ये मेरा टेस्ट था जो मैंने अभी अटेम्प्ट किया, इसकी मुझे परफॉर्मेंस बैच रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पे जो आप ये कलर की जो बार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जितने भी बैच में जितने भी स्टूडेंट थे सबका आपको लाइन वाइज आपको शो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है तो एक ही बार दिख रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर इसकी कलर कोडिंग कुछ इस तरीके से सेट की हुई है कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लिया फिर भी आपका रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए डार्क रेड है। आपने टाइम लिया लेकिन फिर भी आपको रॉन्ग हो गया, तो उसके लिए थोड़ा उसे लाइट रेड है।
इस तरीके से करके आपका आपने गलत कर दिया और आपका उससे कम टाइम में किया, इस तरीके से इसकी कलर कोडिंग सेट है, ठीक है। तो आप हर आप टीचर जो भी है वो ये आपको पता लगा सकता है कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने, क्वेश्चन नंबर वन है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का रेड कलर में आ रहा है, कि सभी स्टूडेंट्स ने इसको गलत कर दिया या फिर मेरे को ग्रे कलर शो कर रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट्स ने ये अटेम्प्ट नहीं किया। इससे टीचर को बेनिफिट ये होगा कि किस टॉपिक पर उसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर पाए हैं या फिर उनका वीक, बिल्कुल वीक सेक्शन है, मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये वो बैच अपनी कंप्लीट बैच की रिपोर्ट यहाँ पर देख सकता है। ठीक है सर, ये अपना फिजिक्स का हो गया, ये इसका केमिस्ट्री का हो गया और ये मैथमेटिक्स का। हर सब्जेक्ट का एक टीचर अपना अपना परफॉर्मेंस, अपने बैच का परफॉर्मेंस देख सकता है इसी के अकॉर्डिंग।